ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम थोड़ा नवद्वीप धाम के विषय में चर्चा करेंगे, किस तरह से यह धाम प्रकट हुआ और इस धाम को प्रकट किस हेतु किया गया, किसने किया। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जब भी इस धरातल पर अवतरित होते हैं, तो अपने पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं, अपने मित्र के साथ, अपने शस्त्र के साथ, यहां तक कि अपने धाम के साथ भी अवतरित होते हैं। तो पहले धाम का प्राकट्य होता है, जिस तरह से किसी जगह कोई मिनिस्टर आ रहा है, किसी जगह भेंट दे रहा है, या किसी गांव को कहो, किसी शहर को कहो, तो उसकी तैयारी की जाती है। मिनिस्टर आने से पहले उसकी तैयारी की जाती है, उस जगह को साफ किया जाता है, वहां पे स्टेज खड़ा किया जाता है, लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, पटाखे लगाए जाते हैं, पुलिस आते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, फिर बाद में मिनिस्टर आता है। ठीक उसी तरह से भगवान अवतरित होने से पहले उनके पार्षद प्रकट होते हैं, धाम प्रकट होता है, पहले धाम प्रकट होता है। तो इस धाम का निर्माण नवद्वीप धाम, कि अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होंगे, तो उसके पहले धाम का प्राकट्य होना बहुत जरूरी है। वैसे तो धाम नित्य होता है, दैट देयर इज नो डाउट, बट भगवान आने से पहले धाम वहां से यहाँ पे प्रकट होता है और फिर यहीं रह जाता है, नित्य यहीं रह जाता है। तो शिवजी इस धाम के गुणगान गाते हैं, नवद्वीप धाम के गुणगान गाते हैं। तो इस गुणगान गाते समय पार्वती को कहते हैं किस तरह से नवद्वीप का प्राकट्य हुआ, क्या कारण था, और इतना सुंदर धाम जो वृंदावन से अभिन्न है, इनफैक्ट वृंदावन ही है, और इस धाम में कई धाम यहाँ पे है, समझ गया ना, कई धाम, इनफैक्ट सारे जितने भी धाम के मूल स्रोत जो है ये नवद्वीप धाम है। यहाँ पे पुष्कर है, भद्रिकाश्रम है, सभी धाम यहाँ पे निवास करते हैं, इस नवद्वीप धाम में निवास करते हैं सभी धाम। तो एक बार वृंदावन में, वृंदावन के वनों में या कुंजों में भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर गोपी के साथ विहार करते रहते हैं, जिसका नाम विरजा है। तो जब श्रीमती राधा रानी को पता चलता है कि कृष्ण किसी और के साथ विहार कर रहे हैं, किसी और के साथ अकेले में है, तो राधा रानी दौड़े उस जगह चली जाती है,
कहां जब जब मैसेज मिलता है राधा रानी को कि हे राधे हे सखे कृष्ण किसी और सखी के साथ वहां पे विहार कर रहा है, अकेले में है वृंदावन में, तो राधा रानी दौड़े चली जाती है। और जैसे ही राधा रानी आ रही है ये पता चलता है तो तुरंत कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं और ये गोपी विरजा जो है नदी बन जाती है। तो राधा रानी को पता नहीं चलता। ऐसे वापस दोबारा होता है और जब राधा रानी को पता चलता है कि वापस उसी गोपी के साथ कृष्ण विहार कर रहे हैं, अकेले में है, लीलाएं कर रहे हैं, तो राधा रानी वापस दौड़ी चली जाती है और कृष्ण वापस वहां से अदृश्य हो जाते हैं और यही विरजा वापस नदी बन जाती है। तो श्रीमती राधा रानी बहुत चिंतित हो जाती है कि किस तरह से कृष्ण को आकर्षित अपने तरफ करके रखे, क्या करने से कृष्ण हर हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो एक बार श्रीमती राधा रानी अपने सारे सखियों को इकट्ठा करती है, अलग अलग प्रकार के सुझाव सखियां देती है। तो जिस जगह गंगा और यमुना दोनों साथ बह रहे हैं, गंगा जी और यमुना जी दोनों साथ बह रहे हैं, वहां पे एक द्वीप उन दोनों नदियों के बीच में एक द्वीप बनाया जाता है। श्रीमती राधा रानी ये द्वीप बनाती है। द्वीप मतलब जानते हो ना, चारों बाजू से पानी से घिरा हुआ है और बीच में जमीन है या व्हाटएवर लैंड है उसको द्वीप कहा जाता है, जब चारों बाजू से पानी से घिरा हुआ है। उसी तरह से गंगा और यमुना दोनों जहां साथ बह रही है उसके बीचों बीच में एक ऐसा द्वीप का निर्माण किया जाता है, श्रीमती राधा रानी करती है द्वीप का। तो इतना सुंदर द्वीप बन जाता है, बड़े सुंदर फूल सुगंधित फूलों से ये बाग बनाया जाता है, सुंदर गार्डन बनाया जाता है। और जिस मतलब उन फूलों के आसपास पुरुष और स्त्री के भौरे जो है भौरे उनको भी निर्माण किया जाता है। और कई मतलब इवन पक्षियां कहो, जानवर कहो, हिरण कहो, सब जोड़ी जोड़ी में पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री, जैसे शुक और सारी, इस तरह से अनेक पक्षियां सुंदर चिव 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 करती हुए जो गुणगान भगवान के गा रहे हैं। इस तरह से इतना सुंदर द्वीप तैयार हो जाता है, बड़े सुंदर फूलों से, बड़े सुंदर जानवरों से, पक्षियों से, सब जगह किलबिल किलबिल किलबिल, और इतने सुंदर पेड़, इतने सुंदर लताएं, पूर्ण रस से भरा हुआ द्वीप, रस से भरा हुआ। अभी रस बोलते हैं, मेरे को एक याद आ रहा है कि हम जब नवद्वीप परिक्रमा करते थे, मतलब करते हैं या हर साल जाते हैं नवद्वीप में, तो आम के पेड़ जो है ना आपको यहां तक ऐसे खड़े रहोगे तो यहां तक लटकते हुए आपको मिलेंगे आम, पेड़ों के आम, पेड़ों में से आम जो आप जानते हैं पेड़, आम के पेड़ कितने ऊंचे होते हैं, कई जगह तो यहाँ पे हाथ में ऐसे ऐसे लगते हैं, यहां से चलते चलते आप तोड़ सकते हो, इतने सुंदर पूरे आम से भरा, मतलब ऐसे सुंदर फल जो रस से भरे हुए हैं, ऐसा सुंदर द्वीप श्रीमती राधा रानी बनाती है, इसका निर्माण करती है इस द्वीप का। नवद्वीप धाम जो है ये श्रीमती राधा रानी के हाथों से बनाया हुआ या उनके माध्यम से निर्माण किया हुआ द्वीप है। वो और अन्य सखियां मिलकर इस द्वीप को तैयार करता और उनके ऑर्डर पर, श्रीमती राधा रानी के ऑर्डर पर गंगा और यमुना दोनों
इस द्वीप की रक्षा करते हैं, इस द्वीप की रक्षा करते हैं। और बड़े सुंदर, जैसे वृंदावन में वन है, यहां पे भी इतने सुंदर वन बनाए जाते हैं, कुंज बनाए जाते हैं, पानी के झरने वगैरह इतना सुंदर कि कहीं पे भी इतना सुंदरता या इतनी सुंदरता कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इतना सुंदर नवद्वीप धाम यहाँ पे प्रकट होता है श्रीमती राधा रानी के इच्छा से। तो और यहाँ पे एक सुंदर कुंज में श्रीमती राधा रानी वेणु लेकर बजाती है, श्रीमती राधा रानी मुरली बजाती है, और कृष्ण इतना सुंदर धुन उस वेणु से निकलता है कि कृष्ण उस धुन के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और वहां प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद श्रीमती राधा रानी एकदम एक्स्टेटिक, एकदम मतलब भाव विभोर होकर आनंदित हो जाती है, और कृष्ण फिर श्रीमती राधा रानी को कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं किस लिए श्रीमती राधा रानी ने ये द्वीप का निर्माण किया, और कृष्ण वहां पे वचन देते हैं कि मैं इस द्वीप के बाहर नहीं जाऊंगा, हर हमेशा तुम्हारे साथ इस द्वीप में रहूंगा, ऐसे वचन देते हैं। और कहीं सखियों को कृष्ण स्वयं बुलाते हैं, और राधा रानी का जो प्रेम इस द्वीप के माध्यम से जो प्रकट हुआ है, ये ऑफ कोर्स ये द्वीप जो है नवद्वीप साक्षात श्रीमती राधा रानी का प्रेम है, जिसके कारण श्री कृष्ण आकर्षित होकर यहाँ पे श्रीमती राधा रानी को कह रहे हैं कि मैं इस द्वीप को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। प्रेम के मतलब प्रेम से एकदम भाव विभोर होकर, कंठ रुद्रुद होकर कृष्ण राधा रानी को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा साक्षात प्रेम है और इसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह से यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं। और जो भी इस धाम में आता है, यहाँ पे कहा गया है कि आपने सिर्फ मेरे लिए इस धाम को, इस द्वीप को बनाया है, और जो भी इस धाम में आता है तो उसको बहुत ही जल्द हमारा प्रेम प्राप्त होगा, ऐसे श्री कृष्ण कह रहे हैं, बहुत ही जल्द हमारा प्रेम प्राप्त होगा। तो एक बार भी नवद्वीप धाम जाने से कृष्ण कह रहे हैं कि हमारा प्रेम प्राप्त होगा, कृष्ण अकेले के नहीं, हमारा मतलब दोनों का, राधा श्रीमती राधा रानी का और कृष्ण का, और अन्य सखियों का प्रेम जो है या भाव जो है ये प्राप्त होगा, ऐसे श्री कृष्ण कह रहे हैं। और फिर शिवजी जो है ये कहते हैं पार्वती को, इतना ही नहीं कि इस धाम में आने से जो है इस धाम में आने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और गौरांग महाप्रभु के प्रति उनका प्रेम जागृत होगा। सब जीवात्मा, कोई भी जीवात्मा जब धाम में, इस नवद्वीप धाम में आएंगे तो उन्हें गौरांग महाप्रभु का प्रेम प्राप्त होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी, और जिसके कारण राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। तो इस ये वृंदावन से अभिन्न होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे तुलसी भी जो है, जैसे वृंदावन को वृंदा देवी तुलसी है, तुलसी माता है, या अनेक तुलसी के आपको लताएं मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे,
वृंदावन में, जिसके कारण उनका नाम वृंदावन पड़ा है। तो उतने ही मात्रा में यहां पे भी तुलसी निवास करती है, इसीलिए इसे भी वृंदावन कहा गया। बट ये नवीन वृंदावन निर्माण हुआ है, इसीलिए उसे नव वृंदावन कहा जाता है। और ये द्वीप के बीच में, मतलब द्वीप है, पानियों के पानी के बीच में द्वीप है, इसीलिए उसे नव द्वीप कहा जाता है। नया वृंदावन और एक नया द्वीप, नव द्वीप। और इस नव द्वीप में एक्चुअली नौ द्वीप भी है। नौ द्वीप और आसपास से उनके उन सारे गांवों के आसपास से नदियां बहती है, और वही नदी यमुना और गंगा जो है, जो भरगच बह रही है, बीच बीच में से भी निकलते हैं और वहां पे छोटे 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 द्वीप ऐसे बनकर पूरा एक बड़ा द्वीप बन जाता, है, जिसका नाम है नवद्वीप। तो नव का अर्थ है नया भी है, नव का अर्थ है नौ। इस कारण इस नव वृंदावन का नाम नवद्वीप है। और इस नवद्वीप में नवविधा भक्ति जो है, भक्ति के नव विधि है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो हर एक द्वीप में एक 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 द्वीप एक एक भक्ति का प्राधान्य दर्शाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कौन से द्वीप में श्रवण, कौन से द्वीप में कीर्तन, कौन से द्वीप में सेवा, ये सब ये प्रकट हुआ है इस तरह से। तो श्रीमती राधा रानी का एक्चुअली ये प्रेम है कृष्ण के प्रति, जिसके कारण ये बड़ा धाम जो है, सुंदर धाम, बड़ा सुंदर धाम का निर्माण हुआ है। और अन्य सखियां और श्रीमती राधा रानी मिलकर कृष्ण को आकर्षित करने हेतु या फिर यही रहने हेतु, अपने साथ रहने हेतु ये धाम प्रकट हुआ है। और जस्ट मेरा एक ऐसा विचार मुझे आ रहा था, जब श्रीमती राधा रानी इतने सुंदर धाम को निर्माण कर सकती है अपने सखियों के साथ, जहां पे कृष्ण नित्य निवास करते हैं उनके साथ, तो धाम का प्राकट्य करना एक प्रेम है। जैसे श्रीमती मैं कहीं मतलब कह रहा हूं यहां पे कि ये धाम जो है श्रीमती राधा रानी का प्रेम है जो कृष्ण के प्रति, तो धाम के रूप में प्रकट हुआ है। तो हमारे श्रील प्रभुपाद भी कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने कई जगह ऐसे धाम का निर्माण किया है, कि नहीं? सही बात है कि नहीं? और वहां पे कई जगह श्रीमती राधा रानी और कृष्ण है सखियों के साथ। अगर वृंदावन में देखा जाए तो वहां पे श्री कृष्ण ललिता विशाखा वहां पे है, गौरांग महाप्रभु है, ऑफ कोर्स नवद्वीप धाम में मायापुर में तो राधा माधव अष्ट सखी है, न्यूयॉर्क में, कई जगह, दिल्ली, मुंबई, कई जगह श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिरों का निर्माण, इतने सारे धाम का निर्माण किया। ऑफ कोर्स ये प्रभुपाद का प्रेम है कृष्ण राधा कृष्ण के प्रति। तो हम सभी प्रभुपाद के अनुयायी होने के कारण
या श्रीमती राधा रानी के पदचिन्हों में हमारे सारे आचार्य चले हैं, उन्होंने भी कई मंदिरों की स्थापना की है और अपने प्रेम को दर्शाया है। ठीक उसी तरह से प्रभुपाद और प्रभुपाद के अनुयायी जो है गुरुजन हमारे, वो भी भगवान को इतना प्रेम करते हैं और वो मंदिरों के माध्यम से या उनके प्रचार के माध्यम से, उनके संकीर्तन के माध्यम से उनका प्रेम प्रकट हो रहा है जो भगवान के प्रति है, श्रीमती राधा कृष्ण के प्रति है। तो हमें भी उनके पदचिन्हों पर चलकर खूब प्रचार करना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रचार बहुत प्रिय है। प्रचार जो है भगवान को बहुत प्रिय है, भगवद गीता में वो स्वयं कह रहे हैं, जो इस उपदेश का प्रचार करता है और पति जीवों का धाम के साथ भगवान के साथ जुड़ा देता है, योग बना देता है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। कितना प्रिय? उतना ही जितना भगवान श्रीमती राधा रानी अन्य सखियों से करते हैं। सो हमारा मिशन जो है, इस पर से पता चलता है कि श्रीमती राधा रानी अनेक जगह, उन्हीं के कारण अनेक जगह धाम के प्राकट्य होते हैं, उनके कृपा से धाम के प्राकट्य होते हैं। सो मंदिर जो है ये धाम से अभिन्न है, जो प्रभुपाद ने कई मंदिर बनाए ये धाम से अभिन्न है, और आगे भी जो मंदिर बनने जा रहे हैं या बनेंगे ये धाम से अभिन्न है, जहां पे श्रीमती राधा रानी, कृष्ण, सखियां, गौर निताय, भगवान के अनेक रूप जैसे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई, ये धाम का प्राकट्य हो जाता है जब वो आ जाते हैं। तो ये हमारे प्रेम का प्रतीक है, या हमारे प्रेम का एक एक प्रूफ है कि हम कितना भगवान से प्रेम करते हैं। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, और जब राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से हम पति जीवों के प्रति इतना उदार हो जाते हैं। किस तरह से ये जीव भगवान से कनेक्ट होगा, ये हेतु से हम सदैव विचार करते रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा मुझे ये विचार आ रहा था, ऐसे ही मैं सोच रहा था कि श्रीमती राधा रानी ने इतने सुंदर धाम का निर्माण किया, तो प्रभुपाद ने कितने धामों का निर्माण किया है। प्रभुपाद जी ने कितना प्रेम प्रभुपाद को कृष्ण के प्रति, राधा के प्रति होता होगा, जो उनके पदचिन्हों पर चलकर इतने धामों का निर्माण किए। तो हम प्रभुपाद के अनुयायी होने के कारण, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी का यश प्रचार करना चाहिए, धामों का निर्माण करना चाहिए। चलो बड़े बड़े मंदिर तो नहीं बना सकते, लेकिन अपने घर को तो धाम बना सकते हैं, है कि नहीं? अपने घर पे हम भगवान की स्थापना कर उनकी सेवा, और अन्य अपने परिवार को उनकी सेवा में लगाकर धाम बना सकते हैं। ये भी कृष्ण के प्रति एक प्रेम है कि अपने परिवार को भगवान के साथ जुड़ा देना। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक जीव आत्मा इतना शक्तिशाली नहीं होता है, बट कुछ तो कुछ तो हमें प्रेम जो है भगवान के प्रति जो प्रेम है, ये दर्शाना चाहिए प्रचार के माध्यम से, मंदिरों के निर्माण के माध्यम से, वॉट एवर। नहीं हमारे पास इतनी शक्ति है तो कम से कम घर को मंदिर बनाइए और भगवान की स्थापना कीजिए, खास करके गौर निताय का। नवद्वीप धाम हमारे घर पे भी आ सकता है, गौर निताय जैसे ही प्रकट होंगे तो घर नवद्वीप धाम बन जाता है। ओके, श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव महोत्सव की जाए, नवद्वीप धाम आविर्भाव महोत्सव की जाए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए, हरिनाम संकीर्तन की जाए, गौर प्रेमानंदे हरि हरि हो।